बड़ी बड़ी आंखें, गंदे दांत, लोहे जैसा बदन और चेहरे के रोंगटे खड़े करने वाले एक्सप्रेशन, ये सारे डिस्क्रिप्शन एक ऐसे एक्टर के जो गुमनामी में चला गया। अपने बहुत सारे यादगार किरदारों के बावजूद उसकी पहचान हॉरर फिल्मों के तांत्रिक बाबा तक लिमिटेड रही। आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत ही गुमनामी में गए, अपने हक का, अपनी कला का उनको पूरा श्रेय नहीं मिला। 1989 में एक मूवी आई थी, नाम था जोशीले। सनी देओल, अनिल कपूर लीड रोल प्ले कर रहे थे। मूवी पूरी तरीके से एक्शन रिवेंज ड्रामा थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा आंका नहीं गया और मूवी सुपर फ्लॉप मानी जाती है। इसके बावजूद इस मूवी से किसी को पहचान मिली तो वो था मूवी का खलनायक जोगी ठाकुर, जिसने अपने आदमकद एक्सप्रेशन और डरावने भाव भंगिमाओं से पब्लिक का दिल जीत लिया। इस जोगी ठाकुर का रोल निभाने वाला एक्टर था राजेश विवेक। ये एक्टर बहुत ही मंझा हुआ थिएटर के एनएसटी का प्रोडक्ट था। इसके बावजूद बॉलीवुड ने उसके साथ जस्टिफाई नहीं किया। उनको जिस तरह के रोल दिए, वहां पर लंबे लंबे बाल, गंदे दांत और बहुत ही घिनौना पागल डाकू वाले किरदार देते थे, या फिर वीराना में तांत्रिक बाबा का रोल देते थे जो कि अपनी उठी हुई आंखों से और भूरे भूरी पुतलियों से पब्लिक को डरा देता था। बहरहाल राजेश ने कई सारी अच्छी फिल्मों में काम किया, इसके बावजूद उनकी पहचान बहुत लिमिटेड रही। लगान मूवी में आपने उनको देखा होगा, जहां पर उन्होंने सन की ज्योतिषी गुरान का रोल प्ले किया था। जब वो मूवी में जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली चिल्लाते थे तो पब्लिक बहुत तालियां बजाती थी। मूवी में अक्सर उन्हें भविष्यवाणियां करते समय केवल उनकी आंखों को सफेद भाग दिखाई देता था। राजेश विवेक ने वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया, फॉर एग्जाम्पल बंटी और बबली, लगान, स्वदेश, मुझसे शादी करोगी, त्रिदेव, राम तेरी गंगा मैली वगैरह। इसके अलावा कच्चे धागे में भी काम किया। साथ में अगर टीवी की बात करें तो महाभारत और भारत एक खोज भी उनके कैरियर फिल्मोग्राफी में आती है। इसके बावजूद उनकी पहचान बहुत ही हॉरर फिल्मों के सी ग्रेड विलन की रही, बिकॉज उनको जस्टिफाई करने वाले रोल नहीं दिए गए, न ही वो मार्केटिंग पीआर में बहुत उस्ताद थे। राजेश विवेक जौनपुर के रहने वाले थे। श्याम बेनेगल की मूवी जुनून से उन्होंने अपना डेब्यू किया था 1978 में। इसके बाद उनको जोशीले में पहली बार विलन का रोल मिला, जिसमें वो छा गए। हालांकि उसके बाद उनकी मौजूदगी आगे फिल्मों में बहुत बड़ी नहीं रही। अगर राजेश आज होते तो अपना 75th बर्थडे मनाते, लेकिन 14 जनवरी 2016 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था और छोड़ गए अपने सारे ढेर सारे किरदार। आज कोई उनको जोगी ठाकुर कहता है, कोई तांत्रिक बाबा कहता है, कोई विलन बोलता है, कोई लगान का एक्टर बोलता है। इसके बावजूद एक एक्टर के नाम की पहचान जो होनी चाहिए वो नहीं होती। आज भी लोग पर्दे पर उनके डरावनी शक्ल याद रखते हैं, पर उनका नाम भूल जाते हैं।